हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा सफ़र है वो दूर पथरी के लिए, और काफ़ी अच्छी जगह है वो भी, और वहाँ पहुँच के आपको सारा व्यू और दिखाते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में, ये है आमंड्स ट्री। तो इस पे भी लगे हुए हैं पेड़ पे, और हम देख भी सकते उतार रहे हैं, वो उतार रहे नीचे। कृपाल, रोड ब्लॉक होने की वजह से हम लोगों को बाग के अंदर से आना पड़ा है। ये जो बाग है अपना, बोले तो ये है बादाम के पेड़। सामने से बोल रहे हैं निकालने के लिए, पर ये टू मच। मगर इस पर रिस्की, वापस खोल। चलो 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 चलो, एक बार साइड में लगा के एक दो पे वो तोड़ना, कैसा होता है दिखाते हैं लोगों को। ये तोड़ना नहीं है, गुना है। ऐसे कैसे गुना है, आपको दिखाते हैं। दिखाओ दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखो, ये है बादाम, आमंड्स। ये देखो भाई, ये है आमंड्स, बादाम। ये ट्रैकिंग वाला रास्ता है, और ना हम लोग गलत आ गए बहुत ज्यादा। ये इतना मैं क्या बताऊं, बस कुछ कह नहीं सकती, बस चल रहे। जी क्या बोले हम दौतबसी के बारे में। दौतबसी का रास्ता जो है खैर अभी तक उतना सही नहीं रहा है, और जानबूझ के ऐसे रास्ते से लिया है ताकि जानबूझ के नहीं, पूछ पूछ के लाए भाई को मैं दिखा सकूं दौतपत्री एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में जो है जंगल के रास्ते से, जंगल के रास्ते से अभी हम ये सारी गलती इसकी है, गुगली की। चुके हैं, और वहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है हंटमेंट। तो वहाँ के हम कैंप में बैठे हुए हैं, और लंच का टाइम हो गया, ज़ोरों से भूख लगी हुई है, तो बस बैठे हुए और खाने का इंतज़ार है कि लंच में हमें क्या क्या सर्व होता है। क्या लजीज, भाई का फ्यूज़ उड़ गया है, देख सकते हो इनका फेस। ड्राइव करते करते और इतना रफ रोड था, इतना ज़्यादा, बस बता नहीं सकते। तो फिर अभी
लंच के बाद मिलते हैं। लंच के बाद और आपको हंट मेंट का सारा मैं व्यू दिखाता हूँ, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं परवेज सैफी और तो लंच रेडी है हमारा, राइस है और यखनी रोटी, राइस और ये अचार है। ये अचार का सिस्टम समझ में नहीं आया मुझे कौन सा है। अरे हम खाते हैं जो घर में बनाते हैं हम। और मिलते हैं लंच के। ये जगह है दूध पथरी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। पीर गली जितनी यहाँ पे ठंड नहीं है पर अच्छा मौसम है। और ये है मैनहंट जहाँ हमने अभी लंच किया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कैंप था हमारा कहाँ बैठ के हमने लंच किया, आपको दिखाता हूँ एक मिनट में। चलता ही नहीं है ये बिलाल भाई, अभी चल रहा है नहीं भाई, खाना खा रहे हैं। जियो का चल रहा है बस। हां जियो ये दूध पथरी की मेन लोकेशन है और यहाँ पर हम आ चुके हैं। हमें जाना है नीचे। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे और साइड में जो पानी बह रहा है बिल्कुल चिल पानी है बर्फ़ का। और इस जगह का नाम दूर पथरी है, आप कभी भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। पर जो हमारा रास्ता था आने का वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो हमें जो रास्ता था वो हमारा हमने गलत चूज़ कर लिया, हमें उस रास्ते से आना नहीं था। तो आप आइएगा तो एक श्रीनगर से रास्ता सीधा आता है इधर के लिए, तो आप आ सकते हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको, बस आपको शॉर्ट्स लिए हैं वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा और आप देख भी सकते हैं।
अभी हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और जो रिवर है वो वहाँ पे है और ये थोड़ा सा ऊपर है, तो चाय के लिए रुके हुए, चाय वो बना रहे हैं, 5 मिनट में चाय आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे चाय पीने का अलग ही एक मज़ा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बाकी शॉर्ट्स ले लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का शानदार मज़ा है। जब तक के लिए किए और हम बस यहाँ से निकलने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे भी आके और यहाँ की लोकेशंस वगैरह भी अच्छी हैं, तो मज़ा आया यहाँ पे भी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मैं आपको मिलता हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।